जो है वो सिविलियन बालादस्ती की और वोट की इज्जत की बात की है जी। लास्ट क्वेश्चन जी, नहीं जुड़ता, उससे नहीं जुड़ता, वो इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। और ये इंटायरली जो है इसमें तो मैं समझता हूँ कि ये ज़ुबैर साहब को ही टारगेट किया गया है। अब वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, मैंने अभी तक मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने इसको फेक करार दिया है या उन्होंने इसके ऊपर कोई मौक़िफ़ इख्तियार किया है। लेकिन ये उनकी ज़ात से और जिन लोगों ने जारी की है, ये उनका ये आपस का बामी मसला है। इसका मैं नहीं समझता कि जिस तरह से दो वीडियोज़ ने जो है वो PMLN को, अपोजिशन को और इस मुल्क की सियासत को जो है वो बुरी तरह से डैमेज किया और नुकसान किया, और जो है वो एक बहुत बड़े लीडर को जो है वो सज़ा दिलाने में एक वीडियो जो है वो कामयाब हुई। मियां नवाज शरीफ की सज़ा उस वीडियो का शाखसाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो हमारा एहतसाब हो रहा है वो मासवाए उस वीडियो के जो बनाई थी चेयरमैन नैब की, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वरना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 दिन पहले की थी चेयरमैन नैब ने, तो अगर ये वीडियो ना आती और उसके ऊपर वो अमल दरामद करते तो आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। PTI ये कहती है कि ये उनका ज़ाती फेल है, तो आप ही समझते हैं कि आज जो मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ये ज़ाती फेल है? नहीं, ज़ाती फेल से मुतल्लिक तो मैं बात तब करूँगा जब ये वीडियो जो है इसका फॉरेंसिक हो और इसके ऊपर ये साबित हो कि ये दुरुस्त है, तो फिर मैं कह सकता हूँ कि उनका ज़ाती फेल। अब मुझे तो यही नहीं पता कि ये है भी सही या ये फेक है। ये बता दें कि जो बयान और लॉ मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि इस पे तू फार्मूला बनाए ताकि अपोजिशन लीडर से जो मुल्ज़िम है नैब का उससे कंसल्टेशन ना करनी पड़े, आप अपने जो आपके दिल्ली का एक्सपर्ट ही है उससे भी कोई आप जी इस पे इसके ऊपर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वाज़ह है। जब तक किसी आदमी को कन्विक्शन ना हो उसके ख़िलाफ़ चाहे 5 हों 10 हों 65 मुकदमात हों, ही विल बी प्रिज्यूम इनोसेंट। लास्ट क्वेश्चन, ये बता दें, मरियम नवाज ने आर्मी चीफ एक्सटेंशन को गुनाह करार दिया, हमजा शबाब ने दुरुस्त फैसला करा, आप ये बता दें कि आप कहाँ पे खड़े हैं राणा सनाउल्लाह के? देखें जी, देखें बात ये है कि जब पार्टी में किसी मामले के ऊपर फैसला होना होता है उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होती है और उस डिस्कशन के नतीजे में यह वो फैसला होता है। उस डिस्कशन के दौरान जो है हर बंदे की अपनी राय होती है। जब ये डिस्कशन हुई थी मेरी भी एक अपनी राय थी, लेकिन जब एक फैसला पार्टी का हो गया तो अब उस अपनी राय का आधार जो है वो मैं नहीं समझता कि मुझे करना चाहिए। जब फैसला हो गया तो वो पार्टी का फैसला था, उस पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद हुआ और पार्टी के फैसले जो हैं, देखिए फैसले कभी गलत भी होते हैं कभी सही भी होते हैं, सुन ले, फैसले कभी सही भी होते हैं कभी गलत भी होते हैं, लेकिन जब फैसले हो जाएं तो वो पार्टी के फैसला अगर हो गया तो पार्टी के फैसले के ऊपर अमल दरामद ही जो है वो दुरुस्त फैसला होता है जी। जब पार्टी ने ये फैसला कर लिया उस फैसले के ऊपर बिल्कुल जो है वो अमल किया और पार्टी का फैसला जो है वो दुरुस्त फैसला है। थैंक यू। दाहोर में राणा सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने हमेशा से सिविलियन बालादस्ती की बात की है और वीडियो का मामला उन्होंने कहा कि ज़ुबैर उमर का ज़ाती मामला है, और मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि ये वीडियो है या फिर ये फेक वीडियो है, और इस हवाले से मोहम्मद ज़ुबैर उमर के मौक़िफ़ का इल्म नहीं। नवाज शरीफ को सज़ा एक वीडियो का शाखसाना है, राणा सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जारी की गई वीडियो पर मोहम्मद ज़ुबैर के मौक़िफ़ का इल्म नहीं।